पंजाब में लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके चलते नाभा ब्लॉक के गांव रोटी छन्ना में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब रात्रि 1 बजे के करीब एक बेकाबू तेल टैंकर दीवार तोड़कर घर में जा घुसा। इस दौरान घर में सोया बुजुर्ग बाल बाल बच गया। इस मौके पर ट्रक चालक और क्लीनर को घर के पारिवारिक सदस्यों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। पारिवारिक सदस्यों ने आरोप लगाया कि टैंकर चालक ने शराब पी हुई थी, जिस कारण यह हादसा हुआ है। तो वहीं मौके पर पहुंचे रोटी पुलिस के इंचार्ज अमरीक सिंह ने बताया कि यह हादसा रात 1 बजे हुआ, जिसमें घर के मालिक का काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं ट्रक चालक और उसका साथी गंभीर घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। रात मैं सुते पे सी ਸੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤਕੜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਜ ਆਈ ਹੈ ਪੜਾਕਾ ਪੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪੇ ਸੀ ਆ ਨਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮੀ ਗੱਡੀ ਚੜੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜ ਗਈ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਦੋ ਜਣੇ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮਤਲਬ ਰਜਾਈ ਉੱਪਰ ਲੱਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਚਤ ਰਹਿ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਇਹ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਇਹ 500 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ देश का 74वां गणतंत्र दिवस विद्याधाम जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार दत्तात्रेय होसबाले ने विशेष रूप से उपस्थित होकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की। यह कार्यक्रम विद्या भारती पंजाब के संपर्क विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इससे पहले सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन के छात्रों ने स्वागती गीत पेश किया। इस मौके पर प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर के छात्रों द्वारा देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर समा बांध दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर विद्या भारती संपर्क विभाग के कार्यकर्ता विनोद फकीरा ने देशभक्ति की कविता सुनाई। इस मौके पर क्षेत्र प्रचारक वनवीर सिंह, विद्या भारती के विजय नड्डा, राजेंद्र कुमार, हर्ष कुमार, प्रांत प्रचारक नरेंद्र कुमार, ब्रिजभूषण सिंह बेदी, प्रांत संचालक इकबाल सिंह, शहर के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। लेने वाले महत्वपूर्ण दिन गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 1950 में आज के ही दिन स्वतंत्र भारत ने एक नई स्मृति को भारत के राष्ट्र को समृद्धशाली स्वाभिमानी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करने के मार्ग को अपनाने वाले भारत के संविधान को हमने स्वीकार किया और इस देश को एक गणतंत्र के नाते घोषित किया। पिछले 72 वर्षों में भारत के यह गणतंत्र हमारे लोकतंत्र की पद्धति मजबूत होती गई। बीच में कुछ काल ऐसे भी आए हमारे संविधान के आत्मा पर, उसके अंतर्सत्व पर आघात होने के समय भी आए। सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने भी प्रयत्न किया, देश के बाहर के भारत को तोड़ने वाली शक्तियां भी प्रयत्न किए, परंतु भारत के यह लोकतंत्र जो है यह मजबूत है,
भारत के संविधान के कारण एक है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है भारत के मिट्टी में, भारत के जनता के अंतःसत्त्व में, यहाँ के समाज की परंपरा में लोकतंत्र यह कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ के समाज हजारों वर्षों से इस प्रकार के का जीवन प्रणाली को समाज के निर्माण और विकास के मार्ग के रूप में अपनाए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उत्तर दिया था, नहीं, ये मैंने अपने देश के यहाँ के मिट्टी के बुद्ध के काल से और उससे भी पहले से हमारे देश के ये जो परंपरा है उसमें ये सारी बातें हैं, मैंने वहाँ से प्रेरणा ली है। ऐसे इस देश के संस्कृति के आधारभूत तत्वों के साथ संविधान के मूल तत्व को, आत्मा को उन्होंने जोड़ दिया। वैसे ही संविधान के जो तीन स्तंभ कहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथे स्तंभ कहते हैं मीडिया के बारे में, माध्यम। तो अपने इन सारे चीजों में लोकतंत्र के वह तत्व प्रवाहित होने चाहिए। आज के दिन हमें इन सारी बातों को इसलिए स्मरण करना चाहिए, भारत अभी G20 के जो मनाने के एक वर्ष पूरा संकल्प लिया है उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। विश्व के सामने हम अपने लोकतंत्र के, रिपब्लिक के इस परंपरा को, ट्रेडिशन को विश्व के सामने एक मॉडल के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 74वां दिवस मना रहे हैं, देश ने बहुत तरक्की की है, बहुत खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। सानू सारिया रल के देश की तरक्की हिस्सा बनना चाहिए है। देश खुशहाल होवे, लोकी खुशहाल होन, इसी की कामना करते हैं। विश्व शांति होवे, इसी सानू कल्पना कर। देश का आजादी तो बाद अज जो संविधान लागू होया 26 जनवरी 1950 और ये एक बहुत वड्डी देश की गणतंत्र दिवस की जोड़ी स्थापना हुई है और ये विश्व का सब तो वड्डा गणतंत्र जोड़ा राष्ट्र बनया, ये बहुत वड्डी भूमिका जी अज के संविधान लागू होने के कारण है, और जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वालों उनके जरा निर्माता से उन्होंने अपना इस प्रस्तुत की जरा लागू होया। सो अज इस विशेष कार्यक्रम के सह सरकारवा जी जे राष्ट्रीय स्वयं सेवक के दत्तात्रेय जी हंसबोले जी आए और उन्होंने अपना इस देश की सदियों तो चली आ रही गणतंत्र जी सोच दो अगे वधाउण दा काम कीता दे बारे सानू दस्या। सो ये भारत की पहला तो शुरू तो ही इस तरह की परंपरा रही है कि उन्होंने लोगों दिया विचारां नू देखते हुए ही बड़ा अगे राज करन दी जड़े दी परंपरा रही है, उसनों ही अज के युग दे विच एक तरीके ना संविधान लागू करके जड़ा बनाया गया। सो अज दे इस दिवस दे उत्ते मैं सारयां नू पूरे देशवासियों नू लख लख वधाई दिंदा। बसंत पंचमी का त्यौहार जहां पूरे देश भर में पूरी ही धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया गया, तो वहीं बसंत पंचमी पर अधिकतर लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इस दिन को मनाते हुए नजर आए। इसी के तहत नाभा निवासी सुबह होते ही धुंध की परवाह किए बिना छतों पर खूब पतंग उड़ाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं नाभा में लोग सिद्धू मूसेवाला के गाने लगाकर पतंगबाजी करते हुए नजर आए। इस मौके पर शहरवासियों ने कहा कि वे बसंत पंचमी का त्यौहार सिद्धू मूसेवाला को समर्पित कर रहे हैं और वे सारा दिन सिद्धू मूसेवाला के गाने चलाएंगे, वो उनकी ही पतंगे उड़ाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि चाहे अब सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वे पूरी जिंदगी उनके दिलों में रहेंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। असी सिद्धू मूसेवाले नूं ट्रिब्यूट देने वास्ते सारे पतंग सिद्धू मूसेवाले दे चला रहे हैं, तो गाने भी सारे सिद्धू मूसेवाले दे लग रहे हैं। यह बसंत जी सिद्धू मूसेवाले दे नाम दवांगे, भावें वह इस टाइम दुनिया के विच नहीं है, पर आने वाली सदियों तक असी उन्हें याद रखांगे।
ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹਦੀ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣਗੇ। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थियों की ओर से देशभक्ति के रंग में रंगकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा सहित सभी कॉलेजों के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों ने कैंपस में राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर सलामी दी। इस मौके पर समूह विद्यार्थियों की ओर से मार्च पास्ट भी किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों व उनके जीवन संघर्ष और योगदान पर नाट्य पेश कर उन्हें प्रणाम किया। इस अवसर पर वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए आपसी भाईचारे और प्रेम सद्भावना के साथ रहने का संदेश दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं भारतवासियों को विदेश के रहते हुए भारतवासियों को और पंजाब वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना कि आज दे दिन बाबा अंबेदकर जी ने जरा पंजाब जरा हिंदुस्तान के संविधान की रूपरेखा रखी और हिंदुस्तान के संविधान देश को सौंपया। वो मैं समझता कि सन 1950 तो ही हिंदुस्तान पूर्ण रूप के आज़ाद होया और हिंदुस्तान के अपने संविधान के मुताबिक जरा एक्ट होना शुरू होया। सो आज 26 जनवरी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दें। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आज बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया और हमारे इन बच्चों ने जितने भी हमारे जितने कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स और हैं कि एक अच्छे भारत का विकास करना, तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे शहीद हैं उनका लहू जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। आज इन बच्चों ने बता दिया है कि किस तरह अपने तिरंगे की रक्षा करेंगे। नगर कौंसिल कार्यालय जंडियाला गुरु में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह इटियो की माता सुरेंद्र कौर ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की, जबकि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म नगर कौंसिल जंडियाला गुरु के प्रधान संजीव कुमार लवली ने अदा की, तो वहीं पुलिस की टुकड़ियों की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी दी गई। इस दौरान सरकारी स्कूल के बच्चों ने अरदास के उपरांत समागम का आगाज किया और अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान नरेश पाठक, सरबजीत सिंह डिम्पी, सुनैना रंधावा, डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी, ओंकार सिंह कंडा, गुलशन जैन, जसवीर सिंह, बाबा हरपाल सिंह, DSP कुलदीप सिंह, SHO मुख्तार सिंह और चौकी इंचार्ज रघुबीर सिंह भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। 17 गणतंत्र दिवस अभी जंडियाला गुरु नगर कौंसल बड़ी धूमधाम के नाल मना रहे हैं जी। मेरे नाल जतेंद्र सिंह जी नाडी कौंसलर, सरपंच बबलू सरपंच जी ये भी कौंसलर खड़े हैं। ये अज का जो प्रोग्राम है मैं सारे देश में सारे पंजाब और खास करके जंडियाला गुरु को बहुत बहुत बधाई दिना वा। इस तरह ही हमेशा रल मिल के ये दिन जे मनाए जाए तो जड़े जंडियाले की जिद नाल तरक्की हो सके। इतने किसी तरह की भी कोई पार्टीबाजी का या किसी तरह का भी कोई यहोजा काम नहीं है, सारा असी रल मिल के ही सारे काम नू कर रहे हैं। साढ़े नाल सारे स्टाफ भी जिन्हें अफसर साहबान आ जिन्हें मुलाजम साहबान आ सारे पूरा साडा संजोग कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के भी पाठक जी डिंपी जी वह भी सारे इतने आए हैं। तो मंत्री साहब के माता जी अज के मुख मेहमान ने वह भी साढ़े च बैठे आ। मैं सारे इतने आने सारे जिया आखदा बहुत बहुत धन्यवाद कर। खन्ना में बसंत पंचमी के अवसर पर घर की दूसरी मंजिल पर पतंग उड़ा रहा एक बच्चा नीचे गिर गया, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु खन्ना के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार डॉक्टरों द्वारा किया गया है। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी घटना बेटा उपर पतंग उड़ा रहे अपने बस्ती का मुंडा उपर कोठे खड़ा पतंग उड़ा रहा है, एकदम पैर डोरड़ी तो सीधा दो मंजिल थले गिर गया आगे। तो किन्नी ऊंचाई हो जितों गिरिया जी है भी दो मंजिल थीगा उपर तो हूँ कितने दाखिल करवाया गया जी? सिविल हॉस्पिटल लेके आए हैं तो टीका लाया हूँ थोड़ी स्कैन हो रही है। एक तरफ खन्ना पुलिस की ओर से चाइना डोर पर नकेल कसने के लिए सख्त हिदायतें जारी कर धारा 307 तक लगाई जा रही है, पर इन सबके बावजूद चाइना डोर की बिक्री रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
हालात ये हैं कि खन्ना जीटी रोड पर यह डोर अभी भी राहगीरों को तंग कर रही है, जिसके चलते एक मोटरसाइकिल सवार इस खूनी डोर का शिकार होने से उस समय बच गया जब वह बाजार से सामान लेने आया था और इस दौरान उसके गले में डोर फंस गई। गनीमत यह रही कि ठंड से बचने के लिए ली हुई लोई के कारण उसका बचाव हो गया। मौके पर मौजूद व्यक्तियों ने बताया कि वे दिन में लगभग 20 बार चाइना डोर को इकट्ठा कर उसे आग लगाकर जलाते हैं ताकि उससे किसी को कोई नुकसान ना हो। इतने समान लेना है जी अपनी दुकान का, तो देखा डोर है चाइना डोर गल च फस गई, फिर अंकल जी उन्होंने कड़ी इधर भाई जी उन्हें बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा स्ट्रोंग डोर है, इन सख्ताई तो बाद भी पब्लिक हटती नहीं है। देखो लोई कारण बच गया जी। हाँ लोई कर बच गया जी। काफी डोर मिलती है जी। हाँ काफी मिलती है। सरकार ने तो सख्ती की है, पुलिस ने भी सख्ती की है। सख्ती वाले थोड़े सामने है जी, सख्ती नहीं हुई जी। हालात बहुत माड़े हो रहे जी। तो जी भज गया जाम चाहिए, मुंडी भज गए थी असं दो बंद चाहिए जी। असं लोई लई जी उपरे लोई लेना जो बच गया है, नहीं अलझ गया बिच लोई जी। ये डोर चिन्ना डोर बच जी, ये चिन्ना डोर क्या बंद करती, बंद करती क्या बंद की जी। ये टीवी बंद होंगी क्या, बाहर बंद होगी ये। जो घटिया त्यौहार है बंद होना चाहिए जी। ये जिस इंसान बच्चे मरते हैं, जानवर मरते हैं, बेचारा गरीब बंदा मर गया, मर गया जी बेचारा। है ये कितना पसंद है जी, समान लेने घरों आया बेचारा गरीब आदमी। अल चेना डोर चा देखो भज के बचाया अं। ये ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी की ओर से अमृतसर जिला अध्यक्ष अश्विनी पप्पू की अध्यक्षता में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक, राष्ट्रीय प्रवक्ता AICC और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं दे पाई और देश के प्रत्येक परिवार को महंगाई की आग में झोंक दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी सब नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारत को नफरत, निराशा और नकारात्मकता के दलदल में धकेल दिया है। भारत को हर स्तर पर तोड़ा जा रहा है और देश के संसाधनों का रुख मुट्ठी भर लोगों की ओर मोड़ा जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर भाजपाई सत्ता की नफरत, निराशा और नकारात्मकता की जड़ को तोड़कर भारत को जोड़ रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसका नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां करेंगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं और ये पदयात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और आज इसका 131वां दिन है, जम्मू पहुंची है और 3,900 किलोमीटर श्री राहुल गांधी जी पदयात्रा कर चुके हैं और 30 तारीख को इस पदयात्रा का समापन श्रीनगर में होने वाला है, जहां एक जनसभा आयोजित की जाएगी जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और जो हमारे स्थानीय पार्टी के लोग हैं उसमें सम्मिलित होंगे। जालंधर छावनी के कैंट बोर्ड कार्यालय में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के सिविल मेंबर पुनीत भारती शुक्ला ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की। इस दौरान पुलिस के जवानों की ओर से परेड कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी दी गई, तो वहीं स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। इस मौके पर कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO रामस्वरूप हरितवाल, पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू, राजेश अटवाल, राजकुमार राजू सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। कंटोनमेंट को प्राइज मिला था, इस बार से सेल्फ सस्टेनिंग मिला और मैं समझता हूँ सफाई कर्मचारी भी जो है वो कंटोनमेंट की शान को बढ़ाने में सदैव सहयोग देते हैं। और बाकी मैं एक दो बातें और करूँगा कि कंटोनमेंट में जो मैंने देखा है कि यहाँ पर आज़ाद भारत होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ हमें जो लोगों को अधिकार हैं उनको मिलने में कठिनाई आती रहती है और कठिनाई आ भी रही है, जैसे कि जलंधर में रजिस्ट्रियों का मसला है। एक जलंधर की जो लोग रहते हैं, हम ढांचे के मालिक हैं, ज़मीन के मालिक नहीं हैं,
जो ये रजिस्ट्रियों का मसला है ये मैंने भी कई बार उठाया है और सीईओ साहब को मैं कहूँगा कि यहाँ पर आज के दिवस पर के जो रजिस्ट्रियों का मसला है इसको भी हम छावनी में दोबारा पहले बंद हुई थी फिर स्टार्ट हो गई, लेकिन फिलहाल ये सुपर स्ट्रक्चर की रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। तो मैं सीईओ साहब बहुत इनिशिएटिव लेते हैं कि जनता का मैं भला करूं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा आज के इस दिन पर कि वो रजिस्ट्रियों को खोलने के लिए भी अपना जो सहयोग दें। देश का 74वां गणतंत्र दिवस बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह गर्ल्स कॉलेज मोरिंडा में मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म एडीसी अंडर ट्रेनिंग हरजोत कौर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अदा की। इस दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से प्रेरित रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में एडीसी हरजोत कौर की ओर से बच्चों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मोरिंडा से हलचल के लिए राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। मेहमान देश विदेश विच वसदे सारे साथियां खास तौर पे पंजाबियों नूं तहे दिल तों निग्गी वधाई ते शुभकामना देण दिंदी हां। अज दे दिन मैं साडी सेनावां अर्ध सैनिक बलां ते पुलिस फोर्स दे बहादुर जवानां नूं सलाम करदी हां, जिन्हां ने देश की आजादी नूं बरकरार रखण लई वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां ते निरंतर देश की अखंडता ते एकता की राखी कर रहे हैं। आज़ादी तो बाद 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू हो जाने नाल गणराज की स्थापना हुई ते सारी दुनिया में सब तो वड्डी जमहूरियत होने का मान हासिल होया। अज दे शुभ दिहाड़े मैं भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी नूं सिजदा करती हाँ। उन्होंने अजिहा संविधान बनाया जिन्हां वख वख धर्मां जातां सभ्याचारां वाले मुल्क विच नूं इक माला विच परोया ते अज साडे मुल्क नूं अनेकता विच एकता दी खूबसूरत मिसाल वजों जाणिया जांदा है। नगर निगम कार्यालय जालंधर में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म नगर निगम कमिश्नर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अदा की। इस मौके पर पुलिस जवानों की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी दी गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। इस अवसर पर नगर कमिश्नर की ओर से बढ़िया कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर निगम कार्यालय के सभी अधिकारियों सहित स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। आज इतने पहुंचे सारे छोटे बच्चों नूं साडे स्टाफ नूं पुलिस कर्मियों नूं होर विवेश मेहमानों नूं सारे रिपब्लिक डे दी बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छा लग्या जी इतने आके एंड मैं तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करना चाहना कि तुसीं मैनूं ये जिहड़ा मान बख्शिया कि मैं जिहड़ा है नैशनल फ्लैग नूं अनफर्ल कर सकां। बड़ा वैसे भी मैनूं एक अच्छी फीलिंग आ रही है, एक फैमिली की तरह फील हो रहा है भी जिवें मैं अपनी फैमिली दे विच आके अज ये फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। फॉरमैलिटी और इनफॉरमैलिटी का एक राइट मिक्स अज मैनूं इत्थे दिखिया जिहड़ा कि मैं अप्रीशिएट करना चाहना। अज रिपब्लिक डे के मौके के उत्ते असीं जिहड़ी साड़ी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे सानू सोचना चाहिए, सानू उसके बारे पढ़ना चाहिए, बच्चों नाल गल्लां करनियां चाहीदियां आपस च यारी दोस्ती दे विच चाह दे उत्ते। शायद अज कॉन्स्टिट्यूशन बारे गल करनी चाहिए है। बहुत ज़्यादा संघर्ष तो बाद और बहुत ज़्यादा सोच तो बाद साडा संविधान लिखा गया सीगा एंड एक तरीके नाल अज की डेट च हर भारतीय इंसान वास्ते यह अपने जिहड़े धार्मिक किताबा ने उन्होंने तो ज़्यादा इंपोर्टेंट जिहड़ा है वो कॉन्स्टिट्यूशन हैगा है और रहना भी चाहिए। माँ बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान अभिलक्षे चुग गौरी भसीन एवं एडवोकेट राजकुमार से पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि सदगुरु द्वारा जब व्यक्ति को ईश्वर की अनुभूति हो जाती है तो वह हर इंसान में परमात्मा के दर्शन करने लगता है, सभी के प्रति हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है और जीवन में संभाव का समावेश आ जाता है। आज के हवन यज्ञ में मां सरस्वती जी बसंत पंचमी की विशेष माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ किया गया।
भारत के गणतंत्र दिवस पर सभी मां भक्तों ने हाथों में तिरंगे को लेकर जय मां बंगलामुखी जी एवं जय मां भारती एवं जय हिंद के जय घोष किए और मां बंगलामुखी जी से देश के सभी सैनिकों को एवं परिवारों की कुशल कामना की। इस अवसर पर श्री कंठचर्च विवेक सैगल, विक्रम भसीन, गीतेश गोपाल मालपानी, गीतेश मधुकर, विवेक शर्मा, गौरव कोहली, विक्रांत शर्मा, रमाकांत शर्मा, रोहित बहल, बाबा जोशी, राजेश महाजन, अमरेंद्र कुमार शर्मा, समीर कपूर, अमरेंद्र शर्मा, मुनीश शर्मा, मुकेश चौधरी, मोहित बहल, राजेंद्र कत्याल, अभिलक्ष्य चुग, अशोक शर्मा, सोनू छाबड़ा, जसविंदर सिंह, गुरबाज सिंह, गुलशन शर्मा, संजीव सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में 42वें मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 42वां वार्षिक जागरण श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से बड़े ही श्रद्धा भाव से करवाया गया। यह जागरण अरोड़ा परिवार एवं चड्डा परिवार की ओर से करवाया गया। इस मौके पर अमृतसर लाल भवानी मंदिर के महंत बिहारी लाल और फगवाड़ा के बिल्ला महंत व उनके साथियों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मंदिर के सेवादार अश्विनी शर्मा धूप वाले सहित असंख्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगलामुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर नमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगलामुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। दरबार में आए हुए सभी भक्तजनों का अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मां बंगलामुखी के इस दरबार में आज विशेष जो बसंत पंचमी और हमारा हिंदुस्तान का आज गणतंत्र दिवस है, इन दोनों शुभ अवसर की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती की पूजन
बसंत पंचमी के दिन होता है और ज्ञान की देवी, बल बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का जो भजन कीर्तन करते हैं, आज के दिन पाठ करते हैं, आज के दिन सफेद रंग के कोटि प्रसाद बांटते हैं, तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ बगलामुखी के इस दरबार में हमने आज जितने भी वैदिक मंत्रों के द्वारा माँ भगवती का पूजन किया, माँ अपने श्री चरणों में हमारी जो श्रद्धांजलि है, हमारी जो पुष्पांजलि है, उसको स्वीकार करें। और जितने भी यहाँ पर हमारे माँ बगलामुखी के उपासक बैठे हैं, जो पूजन कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति हमेशा सही रहे। जालंधर के न्यू गौतम नगर में सरस्वती पूजा एवं बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सभी मोहल्ला निवासियों ने इस पूजा में शामिल होकर विधिवत ढंग से पूजा अर्चना कर मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रधान गौरा, जैनुल अंसारी, विजय सिंह, हरेंद्र, रवि, अमनदीप, अमरजीत सिंह, हरे राम, मिथिलेश सिंह, उमेश कुमार, सोनू सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। सबको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे न्यू गौतम नगर में ब्याह जी का ये बहुत बड़ा पुराना होता है कि सरस्वती की पूजा की जाती है। और आप लोगों को सभी को पता है कि आज 77वां गणतंत्र दिवस भी है और उसकी भी सभी हमारे भाई बहनों को शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि हमारे मोहल्ले के सभी मेरे भाई बहुत अच्छे से ये सेलिब्रेट करते हैं, हमारे यूपी के, बिहार के, मिलजुल कर ये जो पूजा का जो आरंभ किया हुआ है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मैं सभी मेरे भाइयों को इस अवसर पर सबको धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जालंधर के नव नियुक्त पदाधिकारियों ने सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर के सेवादार पूर्व पार्षद भूषण कोहली ने सभी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला प्रवक्ता विपिन शर्मा, गोल्डी उप प्रधान अश्विनी भंडारी, महासचिव अशोक सरीन, वरिष्ठ भाजपा नेता विपिन आनंद सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान दूर दूर से भक्त मां के पावन दरबार में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, तो वहीं मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए हुए थे ताकि किसी भी भक्त को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर होशियारपुर में कैबिनेट मंत्री पंजाब लाल चंद कटारूचक ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की। इस मौके पर पंजाब पुलिस के जवानों और महिला टुकड़ियों की ओर से मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस मौके पर अलग अलग झांकियां भी पेश की गई। इस दौरान चाइना डोर के विरुद्ध निकाली गई झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान मुख्य मेहमान कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने जहाँ सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी, तो वहीं उनके द्वारा जिले में किए जा रहे विकास कार्यों और शुरू हुए नए प्रोजेक्ट्स संबंधी भी जानकारी दी गई। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बठिंडा में पंजाब के मुख्यमंत्री ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 400 और आम आदमी क्लिनिक लोकार्पण करने की कही बात। जालंधर के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समागम का किया गया आयोजन। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।